तुम थी जो क्या कर रही हो तुम यहाँ पे? तुम्हें कोई देख लेता तो पकड़ी जाती ना, सारा खेल बिगड़ जाता। बिगाड़ तो पहले ही तुमने सब कुछ लिया है। मतलब मैं यहाँ पर तुम पर नजर रखने आई हूँ कि कहीं तुम अपना इरादा तो नहीं बदलती। पर अफसोस, माहिर के सामने तुम फिर कमजोर पड़ गए। देखो मैं 24 घंटे, मेरा मैंने कहा था 24 घंटे हैं तुम्हारे पास। 24 घंटे बीतने में अभी वक्त बाकी है, और समझने की कोशिश करो, ये इतना बड़ा फंक्शन है, इतने सारे लोग हैं यहाँ पे, इन सबके सामने मैं माहिर को मार ही नहीं पाओगी। मुझे पता था कि तुम कोई ना कोई बहाना ढूंढोगी, इसलिए मैं यहाँ पर आई, तुम्हारी मुश्किल को आसान करने। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या करने वाली हो तुम? कुछ ऐसा जिसके लिए तुम मेरा एहसान मानोगी। साफ साफ बताओगे विश, तुम क्या करने वाली हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है विश, मुझे पागल हो गई हो क्या? पागल मैं नहीं, तुम हो गई। इंसानों के साथ रह रहे कि तुम भी इंसानों की तरह हो गई हो। मतलब तुम्हें बस अपनी परवाह, मरे हुए प्यार की परवाह नहीं है तुम्हें। ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपना बदला पूरा करूंगी। तुम खोलो इसे। खोल दूंगी, पहले मैं विक्रांत से अपनी दोस्ती और उस माहिर से अपनी दुश्मनी निभा लूं। क्या है यार, पार्टी कितनी बोरिंग है यार। एक भी और लड़की नहीं है पार्टी में। विश ने ना हमारी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। जब से आई है ना हमारी लाइफ में, हॉटनेस का स्कोर सेट कर दिया है ना, कोई इतनी हॉट ही लगती। याद है ना कितनी फ्रॉड थी? मुझे तो सिर्फ उसकी फिगर याद है यार। छू देना बॉडी में करंट ही करंट आता है। कभी देखे जाती है और पैसों का फटका भी। अबे इतनी हॉट लड़कियों का समा होता है, उसके बाद उसकी चार आए वो अदाएं कोई कैसे भुलाए बूटू। हाउ आई विश कि विश वापस आ जाए एक बार बस। विश, विश मैंने कहा मुझे खोलो, तुम ठीक नहीं कर रही हो। विश, अब तुम अंदर कितने ही हाथ पैर मार लो बेला, मैं तुम्हें बाहर इस माहिर को मारने के बाद ही लाऊंगी। Okay, everybody, how about a nice romantic dance? Everybody on the dance floor, lights off. May I? Sorry, do I know you? Yes, of course. Main ek handsome sa ladka, aap ek stunning beautiful ladki. Lo ho gayi hamari khoobsurat si pehchan. Now may I? Arey yaar, tum log yahan kya kar rahe ho? Aaj ke main star to tum dono. Dance floor pe chalo na. Arey chalo na. अरे चलो ना यार, कितने स्लो हो तुम लोग, अपने आरजे से कुछ सीखो। कितना फास्ट है, What? लड़की पटाने में भी कितना फास्ट है। What? अच्छा है ना, रिम लाइट है, फुल प्राइवेसी। आ जाओ आ जाओ, चलो 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 यार, बहुत स्लो यार तुम लोग यार। अरे चलो कुछ, तुम भी चलो आओ। लेकिन अरे चलो तो, अरे सुन तो, अरे बात तो सुन। मुझे इस माहिर को यहाँ से बाहर लेकर जाना होगा, इतने लोगों के सामने मैं उसे नहीं मार सकती। What the hell? Yeah? You go to hell. I am his wife. अब तुम छोड़ रही हो मेरे हस्बैंड को या ग्लास तुम्हारे सर पे फोड़ू? ओह शट अप, ओके बेबी, यू जस्ट शट अप। ये सही वक्त है। आह, अरे माहिर जी, क्या हुआ बेला? मुझे चक्कर आ रहे हैं माहिर जी, बहुत वीकनेस फील हो रही है। आओ अबे बैठ जाओ, कम सिट 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 सिट, ठीक है ना? नो माहिर जी, पता नहीं बहुत ऐसे सोशल हो रही है, कावट हो रही है बहुत, मुझे ऐसा लगता है कि हमें घर चलना चाहिए। I'm too tired. हमें चलना चाहिए, कम। नहीं विशाखा, तुम माहिर को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जो भी करना है मैं करूंगी, सिर्फ मैं।
माहिर जी कहाँ? कहाँ है मतलब? गाड़ी निकालने गए हैं। तुमने तो अभी कहा था कि यू आर नॉट फीलिंग वेल, सो भगवान यानी विश माहिर को लेके नहीं। लिसन, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? बेटर, अब मैं ठीक। हाँ, और बेटर लग भी रही हो। तो चलो ना, दूल्हा दुल्हन के साथ एक फोटो खिंचवाते हैं। लिसन, पहले वाली सेल्फी में ना मेरा फेस बिल्कुल अच्छा नहीं आया। कम ऑन। हाँ, एक को मेरा फोन रह गया वॉशरूम में, मैं लेके आती हूँ। लेकिन आई हैव अ फोन ना, ये ज्यादा अच्छी क्वालिटी का है। अरे लेकिन माहिर जी मेरे को फोन कर रहे होंगे ना, उनसे भी बात करनी है, फैमिली फोटो में वो भी होने चाहिए ना। हाँ। और सुनो, तुमने नोटिस किया आरजे किसी लड़की की फोटो ले रहा है? नहीं विशाखा, तुम माहिर को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी मैं। यू श्योर यू आर ओके? आई मीन डॉक्टर के पास नहीं जाना है तुम्हें? Yeah, I'm fine. Actually, इतनी exertion हो गई ना, तो बहुत ज़्यादा headache हो रहा था. It's fine. मुझे माँ को पहले ही कह देना चाहिए था कि वो तुम्हें insist ना करें आने के लिए. एक तो तुम्हारी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं है और traveling भी इतनी ज़्यादा होगी, venue भी कितना दूर है. बोला ना एक बार, I'm fine. What? I know. मैं इतना rudely कभी आपसे बात नहीं करती, इसलिए आपको इतना अजीब लग रहा ना. नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं. As if I care. गाड़ी की आवाज से सब लोग घर में जाग जाएंगे आगे. Dim light. Who's that? कौन है ये? फिर ये कौन है? I have no idea, माहिर जी. आप गाड़ी से बाहर मत उतरिएगा. जरूर कोई खतरा है. It's not safe. आप अंदर ही रुकिए. माहिर जी, आप जल्दी इस गाड़ी से बाहर आइए. मैं बेला हूँ, असली बेला. मैं हूँ आपकी बेला. ये कौन है, कहाँ से आई है, क्या करना चाहती है? मुझे तो लगता है बाहर इसके और भी साथी है. हमारे लिए सेफ नहीं होगा माहिर जी, हमें अंदर रहना चाहिए. मैं तो कहती हूँ आप गाड़ी स्टार्ट कीजिए और वापस चलिए. इट्स नॉट सेफ आउट हियर. माहिर जी, फॉर गॉड सेक, आप मेरा यकीन कीजिए. मैं बेला हूँ और मैं कह रही हूँ आप जब गाड़ी से बाहर आइए. सोच क्या रहे हैं माहिर जी, क्या सोच रहे हैं आप? मैं बेला, मैं आपकी बीवी, आपके साथ बैठी हूँ. ये लड़की पता नहीं कौन आपका बुरा चाहती है. आप इसकी बात सुन रहे हैं? बुरा मैं नहीं, बुरा ये करना चाहती है आपका. माहिर जी, आप सोच क्या रहे हैं? मैं आपसे कह रही हूँ ना, मैं बेला हूँ. शी वांट्स टू हार्म यू. आप निकलिए गाड़ी से बाहर. Oh my God. Officer, ये कोई टाइम होता है फोन करने का? What's wrong with you? Have any sense of decorum? Andy साहब, आपके डेकरम वेकरम का ज्ञान हम बाद में सुन लेंगे. फिलहाल जिस खबर के लिए हमने आपको फोन किया है, आप वो सुनिए. क्या है ना, कुछ दिन पहले हमें एक लाश मिली. तो Andy साहब, सुन रहे हो ना आप? Unfortunately, मैं सुन रहा हूँ officer. बताइए, आप कह रहे थे कि आपको लाश मिली है, तो मैं क्या करूँ? तो ये कि उस लाश को कुछ टेस्ट और ऑटोप्सी रिपोर्ट के लिए हमने भेजा है. सोचा आपको भी बता दें. What's wrong with you, officer? आप मुझे क्यों इन्फॉर्म करेंगे? हाँ? देखिए, हम पूरे यकीन के साथ तो नहीं कह सकते, लेकिन हमें शक पूरा है कि कहीं ये लाश युवराज की. What nonsense, officer? What's wrong with you? क्या मैंने आपको कोई FIR लिखवाई थी? कोई कंप्लेन की थी कि मेरा बेटा मिसिंग है? नहीं ना, तो आप फिर से ऐसा क्यों कह रहे हैं? लिसन ऑफिसर, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मेरा बेटा मिसिंग नहीं है. ओके, ही इज इन न्यूजीलैंड. वहां से फोन आया क्या आपको? यस, उसका मुझे फोन आया था. यू गॉट दैट? उसने खुद फोन किया था और कहा था कि वापस आने वाला है. ओके, एक मिनट एंडी साहब. आपकी आपके बेटे के साथ बात हुई?
मतलब खुद उसने फोन पर आपके साथ बात की या फिर किसी ने बात की और उसने आपको बताया और उसकी कही हुई बात आप हमको सुना रहे हैं? आप समझ रहे हैं हमारी बात? क्योंकि हमको पूरा शक है कि ऑफिसर, आर यू लिसनिंग टू मी व्हाट आई सेड? उसने खुद फोन किया था और मेरा बड़ा बेटा माहिर, उसने उससे बात की है एंड ही टोल्ड हिम कि वो बहुत जल्द वापस आ रहा है. ओके, नाउ प्लीज डोंट हैरस मी. युवराज ने फोन किया था? ऐसे कैसे हो सकता है यार? खैर, इस पगलैट फैमिली में कुछ भी हो सकता है.